जर्नल सी सी एक वफादार गुलाम ये बात हैरान कुन नहीं है कि अहले गजा पर इसराइल अरसाए दराज से जंगी मशकें कर रहा है लेकिन ये अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि इसराइल के हर इशारे और हुकम पर उतनी ही शदीद मिस्र ने मुसल कर रखी है जनरल सीसी के हुक्म पर गजा जाने वाली सुरंगों को पानी से भर दिया गया दीगर तबाह कर दी गई जबकि रफाह क्रॉसिंग को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है ये वही मकाम हैं जहाँ से दर्द दिल रखने वाले मुसलमान छुपते छुपाते अपने मजलूम और मजबूर फलस्तीनी भाइयों के लिए इमदाद और अदवियात वगैरह पहुँचाया करते थे काबिल तजुब अमर ये है कि गजा के खिलाफ मिसर के हर इकदाम को इसराइल वाजाज में खराज तहसीन पेश कर रहा है जब से अब्दुलफ सीसी ने इकतदार संभाला है यूँ लगता है कि मिसरी हुकूमत इसराइली मुतालबात और ख्वाहिशात की तकमील करना अपना फर्ज समझती है दो हजार तेरह में होने वाली बगावत से लेकर अब तक के वाकयात इसके गवाह हैं। जिल्लत और रसवाई की इस घटिया सौदे में अजीब बात ये है कि इसराइली जर्नैल वजरा मजहबी रहनुमा और सफारतकारों समेत किसी ने भी अहमक मिस्री सदर जर्नल सीसी को जलील करने का मौका जाया नहीं होने दिया फलस्तीन के हालात पर चशम कुशा मजामी शाया करने वाले मारूफ उर्दू रिसाले बरह रास्त ने अपने इदारिये में लिखा है कि कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जिससे ये महसूस भी हो सके कि इसराइल जिस अंदाज और रफ्तार से मिस्र की हाकमियत आला को पामाल कर रहा है सफारती आदाब की धजिया उड़ा रहा है इस पर किसी भी हवाले से किसी भी मौके पर मिस्र ने एहतजाज ही रिकार्ड करवाया हो अभी चंद हफ्ते ही हुए हैं मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने धावा बोल दिया इसके खिलाफ फलस्तनी सरापा एहतजाज बन गए एहतिजाज को दहशत गर्दी करार देते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि वो मिस्र के साथ मिलकर लाए अमल तैयार करेंगे उस वक्त भी मुबसन ने लिखा था कि ऐसे वक्त पर भी जनरल सीसी का खामोशी इख्तियार करना शदीद ढटाई और बेशरमी का मुजाहरा था जो मिस्री हुकूमत ने मस्जिद अक्सा पर हमले की मजम्मत ना करके किया था ये जर्नल सीसी की ही पॉलिसियों का तसलसल है कि मिस्र दुनिया में आज इसराइल का सबसे बड़ा हमारी है अब्दुल फता सीसी ने इसराइली वफादारी का सबूत यूं भी दिया कि मिस्री फौजियों को सीनाई भेज दिया हकीकत ये थी कि ये सारा काम इसराइल के मफादात को बचाने के लिए किया गया था इन कार्रवाई का मकसद दरअसल सीनाई में इसराइल की सलामती को यकी बनाना था यहाँ मारे जाने वाले फौजियों के जनाजों की सरकारी टी पर तशहर की गई ये किसी ने नहीं बताया कि इन फौजियों की हलाकत का सबब खुद वो हुक्मरान थे जो इसराइल के मफादात की जंग में उनको झोंक रहे थे अब्दुलफता सीसी के बारे में ये बात कही जा रही है कि वो अनवर सादात दोम बनने की कोशिश कर रहे हैं वो बाज अमूर में सदर सादात को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं वो हुस्नी मुबारक के इकदाम की भी नकाली करते रहते हैं ताकि इसराइल की खुशनुदी उन्हें हासिल हो सके गोया मिस्री तारीख का ये अजीब गरीब सदर एक ऐसा घना किरदार है जिसने इसराइल नवाजी से बढ़कर उसकी ग़ुलामी में अपने इकतदार की बका तलाश की है शायद वो समझता है कि उसे भी बशार अलसद बना दिया जाएगा दूसरी तरफ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इस जैसे मीर जाफरों और मीर साधकों को तारीख हमेशा अपने पांव तले रोंद डालती है और इकतदार का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाता है